लिटरली ऐसा लग रहा है एकदम नागिन वाली आईज नहीं होती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे अगेन। आज है बड़ा स्पेशल डे बिकॉज आई विल बी ट्रांसफॉर्मिंग माय फॉलोअर इनटू अ ब्राइड। सो दोज हु डोंट नो कि मैं कोर्स कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप, तो उसमें हमारे असेसमेंट्स होते हैं। सो इससे पहले भी जो मैंने असेसमेंट दिया था हल्दी मेहंदी का, उसमें भी मेरी एक फॉलोअर ही आई थी। आई ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ हल्दी मेहंदी थीम ब्राइड, और उस टाइम ना मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज 31 दिसंबर को किया था, बहुत जल्दी जल्दी मैं किया था एंड उस दिन मैं कैमरा ले जाना भूल गई। बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं व्लॉग करूँ बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस वे। मैं इंट्रैक्ट भी करती हूँ अपने फॉलोअर्स के साथ, उनको ट्रांसफॉर्म भी कर देती हूँ एंड या सो आई थॉट वाई नॉट शूट द होल जर्नी, सो आई बी व्लॉगिंग दिस जर्नी विद यू गाइज। सो अब मैं लेट होने वाली हूँ, 10 बजे की क्लास थी, 10:05 हो रहे हैं एज यूजल, मुझे हमेशा डांट पड़ती है लेट आने के लिए। सो फटाफट से चलते हैं। मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स मिस करे, मुझे दोबारा लगाना है। से हाय, मीनू मैम को बोल, हाय, थैंक यू फॉर कमिंग, माय प्लेजर। Later. Hello, I'm back home. Do let me know आपको ब्राइडल लुक कैसी लगी। मेरी फर्स्ट एवर ब्राइडल मेकअप लुक थी वो, बहुत टाइम लगा, लाइक हैट्स ऑफ टू हर पेशेंस। वो बेचारी चुपचाप बैठी थी, मैं उनसे बाबा बोल रही थी बोर तो नहीं हो रहे ना, इरिटेट तो नहीं हो गए ना, बिकॉज देखो अभी हम सीख रहे हैं और खुद पे मेकअप करने में और किसी और पे करने में बहुत फर्क होता है। खुद पर तो मैं इतने साल से मेकअप कर रही हूँ, मुझे फटफट पता है स्ट्रोक्स कैसे ले जाने। तो मैंने गुडी बॉक्स भी दिया था एज अ थैंक यू। इससे पहले भी जो हल्दी मेहंदी में आई थी उनको भी मैंने एक कस्टमाइज गुडी बॉक्स बना के दिया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ, बिकॉज आई फील अगर मैं पे नहीं कर रही, मेरे फॉलोअर्स मेरे लिए आ रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, इतनी देर बैठ रहे हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं उनके फेस पर कुछ काम कर सकती हूँ, मेकअप कर सकती हूँ, तो एक थैंक यू जेस्चर तो बनता ही है, एक सरप्राइज एलिमेंट भी हो जाता है। सो या अब मेरा रहता है रिसेप्शन का असेसमेंट, उसके लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे नीचे कमेंट से बता देना। बाय द वे, हैव यू नोटिस समथिंग, कुछ देखा तुमने, मेरे आईज देखी तुमने? ओ माय गॉड, ये लिटरली ऐसा लग रहा है एकदम नागिन वाली आईज नहीं होती। तो अब मैं लेंसेज के ट्रायल शुरू कर रही हूँ। मैंने लेंस कार्ड से बहुत सारे कलर्स के लेंसेज मंगवाए हैं फॉर माय वेडिंग फंक्शन, सो दैट हर फंक्शन में थोड़ी सी एक आईज अच्छी लगती है ना। मैं जितने मेकअप आर्टिस्ट से पूछ रही हूँ ना, अभी बुक करा रही हूँ, वो सब कह रहे हैं लेंसेज आपको पहनने ही पड़ेंगे। वो ऑब्वियसली नॉन पावर्ड लेंसेज देते हैं, उनके पैकेज में लेंस होता है, लेकिन मेरी पावर्ड आईज है, मेरा आंखों का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं वो लेंसेज तो लगा नहीं सकती। सो मैं अपने कलर लेंस लेके जाऊँगी, तो इसलिए अब मैं ट्रायल शुरू कर रही हूँ, सो दैट उस टाइम एकदम कोई नई ब्रांड का लेंस लगाऊँ, आंसू आए, कोई रिएक्शन हो, तो एटलीस्ट मुझे अभी थोड़े टाइम पहले क्लियर हो जाए। बट आई थिंक आई लाइक इट, जब इसे पूरा मेकअप करो ना, लैशेज एंड ऑल लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है।
मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप हो रहे हैं, मैंने पता नहीं कौन सी मैट लिपस्टिक लगा ली, फट रहे हैं मेरे होंठ बुरी तरह, वैसे भी ठंड आ गई है एंड विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा फटते हैं। दिस लिप बाम इज माई होली ग्रेल, ये मतलब मेरे बेड साइड पर रहता है, ये मेरे बैग में रहता है, मैंने दो ले लिए हैं, मेरे पास एक बैग में भी रखा हुआ है। आई एम लविंग दिस वन, ये आई थिंक मेरे जनवरी फेवरेट्स में आप देखोगे जब मैं नेक्स्ट मंथ फिल्म करूंगी। ये है अर्थ रिदम का शिया बटर एंड ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल लिप बाम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एकदम ओजी जो लिप बाम वाली पैकेजिंग नहीं होती इसकी, बिल्कुल वैसी वाली पैकेजिंग है, काफी कन्वीनियंट है। मुझे ना ऐसे वाले प्लेन लिप बाम अच्छे लगते हैं, जैसे आप देख रहे हो इस पर कोई कलर नहीं है, जो कलर आया है वो नीचे से अपनी लिपस्टिक का ही कलर आया है, इस पर कोई कलर नहीं था, मैंने डर्टी कर दिया, लिपस्टिक लगी हुई थी थोड़ी सी, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहां से पूरा ऐसे स्क्वीज आउट हो जाता है और मुझे ये वाले लिप बाम अच्छे लगते हैं। एक तो ये हाइजीनिक काफी ज्यादा है, मैं इसको अपने बैग में भी रख लेती हूँ बिकॉज गंदा नहीं होता ना बार बार, जो वो लाइक जार वाले लिप बाम आते हैं ना उस पर बार बार डिग इन करना पड़ता है, सैनिटाइज नहीं होते, हाथ जर्म्स ट्रांसफर होते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। दिस इज एक्चुअली वेरी नरिशिंग, इसको तो मैंने ऐसा होता है कि मैं अगर अभी लगा रही हूँ ना 4-5 घंटे पता नहीं कितनी देर तक ये लिप बाम लिप्स पर रहता है, मेरे लिप्स को नरिश बना के रखता है। इफ आई टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन दिस वन, शिया बटर है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस वन, और इसमें शुगर केन है विच इज ड्राइव फ्रॉम 100% बायोप्लास्टिक। अर्थ रिदम वैसे भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है विच आर सेफ फॉर योर स्किन एज वेल। इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स इन दिस वन, सबसे पहले है इसमें शिया बटर विच वी ऑल नो कितना अच्छा एमोलियंट होता है, विंटर्स का तो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। इसके अलावा भी अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा चैप्ड रहते हैं ना, ऑलवेज प्रेफर सच लिप बाम जिसके अंदर शिया बटर होता है, इसमें विटामिन ई का भी बहुत अच्छा एक रिचनेस होती है। इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है विच इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी बहुत अच्छा होता है, नरिशिंग होता है लिप्स के लिए, ये जो पिगमेंटेशन डार्कनेस होती है उसके साथ भी बहुत अच्छे से डील करता है। एंड इसके अंदर कैस्टर ऑयल भी है विच अगेन प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लिप्स, सो एकदम मॉइस्चराइज करके रखता है, इंटैक्ट करके रखता है आपके लिप्स को। ऑल्सो कैस्टर ऑयल क्या करता है, जो रेडनेस हो जाती है काफी बार, सनबर्न हो जाता है काफी बार, बहुत ज्यादा पीलिंग हो जाती है, चैपीनेस हो जाती है, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करता है, नरिशमेंट बहुत अच्छी देता है। सो ओवरऑल आई थिंक इंग्रेडिएंट्स इन दिस वन इज जस्ट अमेजिंग, सो अगर आप विंटर्स के लिए कुछ अच्छा देख रहे हो ना, दिस लिप बाम इज एक्चुअली वेरी गुड। सो ये लिप बाम डे टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। अर्थ रिदम का एक लिप मास्क भी आता है जो मैं रात को लगाना प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग, काफी क्लासी प्रिटी सी एकदम रेड कलर की पैकेजिंग है, मुझे काफी पसंद आई। अगेन वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज, हाइजीन एकदम प्रॉपर है बिकॉज आपको डिग नहीं करना, डिप नहीं करना अपनी फिंगर्स को। सो ये दिखता है कुछ इस तरह से, मैं एक बार इसका स्वॉच दिखाती हूँ, इट लुक्स लाइक दिस। ये भी काफी थिक है लेकिन एक ये लिप मास्क का काम करता है, सो आप इसको रात को लगा के सो सकते हो। दिस इज अ पेप्टाइड बेस्ड लिप मास्क। इफ यू डोंट नो पेप्टाइड का क्या काम होता है, पेप्टाइड बेसिकली रेगुलेट करता है सेल एक्टिविटी को, इसकी वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है काफी अच्छे से, जो भी वूंड्स होते हैं, जो भी बेसिकली चैपीनेस होती है उसको हील करता है। इसके अलावा इसमें एस्कॉर्बिल पामिटेट भी है जो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो पेनिट्रेट करता है स्किन में, स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है लिप्स को स्मूथ दिखाता है, यूथफुल दिखाता है, ब्राइटन अप करता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट एट नाइट, सो डेफिनेटली चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अर्थ रिदम वेबसाइट, मैं इनके लिंक डाल दूंगी नीचे। इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई ऑफर डील चलती रहती है, सो एमआरपी कंपैरिजन में ये आपको काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो इट्स द नेक्स्ट डे, आई एम गोइंग टू माई क्लास अगेन, लेकिन आज रेगुलर क्लासेस नहीं है, आज है एयरब्रश की वर्कशॉप जो पेड है बेसिकली। मैंने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर भी शेयर करी थी, किसी को आना हो डेली में तो वो आ भी सकता है, बट आई डोंट नो किसी ने एनरोल किया नहीं किया। सो ये 1000 रुपीज की वर्कशॉप है जिसमें एयरब्रश मेकअप सिखाया जाएगा, एंड आई रियली वॉन्ट टू लर्न एयरब्रश मेकअप बिकॉज देखना है कि एक्चुअल में हाइप क्या है उसकी। ऑब्वियसली अगर आप मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में जाने वाले हो तो एयरब्रश भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। सो मैं क्लास के लिए फटाफट तैयार हो रही हूँ। मेकअप ही मेकअप ये इतनी सी होती है मशीन, वो होती है मेन को चलाने वाली। ओह टोनर दिया, हम ट्राई करने के लिए छोड़ दिया ना, अब ये देखो खाली किसी देखो हवा आ रही है सिर्फ, ठीक है ना, तो इससे हम ट्राई भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को।
मैं नीचे करूंगी वो नीचे भी ठीक रहेगा, बट ऊपर के लिए हमें एक बेस मिल जाएगा इसलिए नीचे से कर रही हूँ, बाकी हम बैक से ही करेंगे पैक को। This is my सर्दियों का सहारा, finally बाल सूख गए, yay! हेलो, आई टोटली फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग। मैं अभी जब एडिट करने बैठी मुझे लगा इस व्लॉग को तो मैंने शायद एंड ही नहीं किया ना, आई वाज राइट, मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी। अब ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन हो गए हैं जिस दिन मैंने वो एयरब्रश की वर्कशॉप अटेंड करी थी ना, मैं उसके बाद करोलबाग गई थी अपने आउटफिट्स पिक करने, जो मैंने आपको बताया था जो मैंने 1-2 लिए चूजों के लिए, और दोनों में ही ऑल्ट्रेशन में थोड़े इशूज थे, फिटिंग नहीं आई थी, तो मैंने बोला मुझे और फिटिंग अच्छे से करके दो। यही अच्छी बात होती है जब प्रॉपर अच्छे स्टोर से लो ना तो फिटिंग बढ़िया करके देते हैं। उसके बाद जो हाल हुआ है हमारा, मतलब लाइफ में पहली बार मैंने इतना खतरनाक ट्रैफिक देखा करोलबाग से टुवर्ड्स माय होम, एंड हम लिटरली 4 मेट्रो स्टेशन पैदल आए हैं। मैं कभी इतना वॉक नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में, हमने ऑलमोस्ट सेमी ट्रैक कर लिया था बिकॉज हमें 2 मेट्रो स्टेशन तक कुछ भी नहीं मिला, सारी बसेस खाली हो गई थी, सब मेट्रो की तरफ जा रहे थे बिकॉज पूरा बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया था। सो हम ऑलमोस्ट 4 मेट्रो स्टेशन तक पैदल गए थे, एंड एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन के बिना तो मेरा व्लॉग हो नहीं सकता, सो उस दिन मैं थोड़ा सा व्लॉग नहीं कर पाई। उसके बाद ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी शादी की प्रेप्स एंड ऑल में बिजी हो गई थी, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये देखने में मजा आया होगा, कहते रहते हो व्लॉग किया करो, मैं तो मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस शूट करने की कोशिश करती हूँ, दो आई एम नॉट अ वेरी गुड व्लॉगर, आपको देख के लगता ही होगा इतना वो नेचुरल फ्लो वाला मेरा व्लॉग नहीं बन पाता है, बट ठीक है, आई एम लर्निंग एंड ट्राइंग फॉर यू गाइज एज वेल। इस टाइम लाइफ क्योटिक हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा क्योस हुआ पड़ा लाइफ में, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग कि काम वाम के साथ थोड़ा बहुत आपको भी अपडेट देती रहूँ। और ये रही मेरी नीस जो मेरी सारी बातें सुन रही है, हाय। तू दुखी क्यों है रुतिका? मत करो। इसको जब होमवर्क मिलता है ना और से हो नहीं पाता तो इसकी ऐसी शक्ल होती है। सो या नाउ आई एम एंडिंग द व्लॉग, बाय बाय। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय द वे, अगर यहाँ तक आ गए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।